एमजी महांती आयरन माइन से आप लोग हम लोग झारसुगड़ा का लोड करने के लिए यहाँ पे अभी इंतज़ार किए हैं। अपना गाड़ी अंदर में अभी जाएगा अपना डीओ लेने के लिए। साथियों गुड मॉर्निंग, आज का न्यू ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों अभी टाइम है सुबह का करीब 3 बजा है और हम लोग 3:00 में आए हैं पेट्रोल पंप में अपना गाड़ी में डीजल डालने के लिए। देख रहे हैं मेरे साथ में अपना 4-5 गाड़ी है, साइडिंग का लोड किए हैं, साथ में आज जा रहे हैं। आप लोगों को दिखाएंगे साइडिंग में हम लोग का किस तरीके से खाली होता है। अपना JSW माइन से हम लोग लोड किए हैं बांसपानी रेलवे साइडिंग। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। और आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि गाड़ी लाइन में कभी टाइमिंग नहीं देखा जाता है, पूरा सुबह हुआ कि नहीं हुआ हम लोग को खाली करने जाना पड़ रहा है। हम लोग रात 12 बजे में लोड करके निकले थे तो 3 घंटा हम लोग सोए। और अभी फ़िलहाल देख रहे हैं हम पेट्रोल पंप में हैं और पूरा पेट्रोल पंप पूरा सुनसान है, कोई नहीं है। और हम लोग फिलहाल पहली बार आए हैं इस पेट्रोल पंप में डीजल डालने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहां से शुरुआत करते हैं। बहुत दिन बाद हम आज वीडियो बना रहे हैं। आप लोग अगर वीडियो में नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल अलार्म प्रेस कीजिए, जिससे अगले चल के हम कोई भी वीडियो देंगे तो आपके पास पहुँच पाएगा। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आज कंटिन्यू लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त। गाड़ी वाला कहीं है ये, है ना? 6000 ना। आज का डीजल रेट कितना है? 96.31 रुपया। अरे बुढ़पा का भी बुढ़पा गिर जीता। अरे गिरेगा जी नहीं गिरेगा, कारपेट हो गया। अरे थोड़ा सा सीधा कर, सीधा कर, बस ऐसे पकड़ कर दी, बस उसमें। हाँ भंगा। इधर इशू हुआ था गाड़ी है ना? कहाँ खोला हम? टालगुला। तो साथियों देखिए अभी फिलहाल हम लोग पार हो रहे हैं JSW माइन से बगल में। ये डाला बड़ी गाड़ी पाल्टी हो गया है घाटी में उतारते टाइम में। तो साथियों फिलहाल अभी हम लोग पहुँचे हैं अपना खाली करने जगह बांसपानी रेलवे साइडिंग और देख रहे हैं किस तरीके से जाम। तो साथियों देख रहे हैं किस तरीके से गाढ़ा डिब्बा है बांसपानी साइडिंग। और हम लोग प्रदीप भैया बहुत दिन बाद आ जा रहे हैं ना, जब भी आते हैं ये साइडिंग ऐसे ही रहता है खराब रोड, इसलिए हम लोग बांसपानी साइडिंग आने के लिए नहीं खोजते हैं, लेकिन इधर से लोड लेके जाना है इसलिए आए हैं। जो आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ, ओडिशा आयरन ट्रांसपोर्टिंग में जो बांसपानी रेलवे साइडिंग बोला जाता है, जोड़ा बगल में जो है बांसपानी रेलवे साइडिंग, ये सबसे बड़ा साइडिंग है। यानी कि एक ही साइडिंग में मेरे को तो आज तक हम जान नहीं पाए इसमें काय को प्लॉट है रेलवे ट्रैक जो लोडिंग के लिए होता है। आज आप लोग को दिखाएंगे कितना सारा रेलवे ट्रैक है। और इस ट्रैक में बहुत सारा ड्राइवर भाई लोग अपना बोलते हैं कि अगर रात में आप खाली करने के लिए आइएगा तो यहाँ पे चोरी चमारा होता है। बहुत सारा ड्राइवर भाई लोग के साथ में भी हुआ है और हम लोग
साथे में भी कुछ भाई लोग चलते हैं, वो लोग का भी चोरी हुआ है बोल के हम लोग सुनने में आया है। हम लोग के साथ में तो कभी हुआ नहीं है और हम लोग बांसवाड़ी साइडिंग ऐसे रोजाना आते नहीं हैं, हम लोग तो लंबा चलते हैं इसलिए। तो चलिए आज आप लोग को हम दिखाएंगे कि बांसवाड़ी रेलवे साइडिंग कितना बड़ा है और किस तरीके से साइडिंग में खाली होता है और यहाँ का रास्ता कितना ख़राब है। बांसवाड़ी साइडिंग जोड़ा सेक्टर में आयरन सेक्टर देखा जाने से सबसे पुराना साइडिंग है और अभी तक ले इसका साइडिंग का जो रोड है इसको कंक्रीट नहीं किया जा रहा है कि कोई मतलब मरम्मत नहीं किया जा रहा है, पूरा गढ़ा डिब्बा है और इसमें ज़्यादातर गाड़ी ब्रेकडाउन होने का चांस रहता है और ब्रेकडाउन होने से आपका बहुत सारा चीज़ चोरी हो जाने का भी डर रहता है, इसलिए बहुत सारा ड्राइवर भाई लोग बांसवाड़ी रेलवे साइडिंग आने नहीं खोजता है। तो फ्रेंड्स चलिए आज आप लोग को दिखाते हैं, प्रदीप भैया अपना चालान को एंट्री करने के लिए लेके गए हैं तो अभी हम लोग जाएंगे खाली करने के लिए और अपना साथ में जो गाड़ी भी है सब खाली करेगा। तो चलिए आप लोग को हम आज दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से अपना शुरुआती दिन में जो चलाए हुआ गाड़ी डंपर बोलते हैं जैसे टिपर ये वाला गाड़ी लोग हम लोग का सामने आ गया, बाद में भी आने से ये सब गाड़ी कहां से भी घुस जाता है। तो साथियों अभी फिलहाल हम लोग एंट्री ले रहे हैं अंदर में, देख रहे हैं बांसवाड़ी रेलवे साइडिंग ये है और यहां पे अभी फिलहाल हम लोग का सामने में तीन गो ट्रक लगा हुआ है, तीन गो ट्रक में लोडिंग करने का दिख रहा है, आप लोग को वीडियो के माध्यम में दिखाएंगे। तो चलिए अंदर में हम लोग का किस तरीके से खाली होता है और आप लोग को दिखाएंगे कि कितना खतरनाक ये रोड बन गया है, जिस रोड में अगर गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे आपका चोरी होता है बोल के जो शिकायत करते हैं कहे के लिए, देखिए किस तरीके से ये रोड ख़राब है। मतलब आप इस रोड में खड़ा हो जाएंगे तो आपका एक जंग तक पूरा गड्ढा है, रोड इतना गड्ढा है और आप बड़ा गाड़ी लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे कितना चांसेस रहता है कि गाड़ी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाना। देख रहे हैं ये रेलवे ट्रैक में गाड़ी लोडिंग के लिए खड़ा है और हम लोग फिलहाल अभी खाली करने के लिए जा रहे हैं। साथियों अभी फिलहाल हैं हम बांसवाड़ी साइडिंग में और देख रहे हैं ये माल किस तरीके से यहाँ पे खाली हो रहा है और अभी अपना भाई एगो यहाँ पे माल खाली कर रहे हैं, देख रहे हैं डाला का लोग खोलने के बाद डाला उठा रहे हैं। देख रहे हैं अभी अपना प्रदीप भाई माल खाली कर रहे हैं,
जो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बांसपणी जो साइडिंग है जो अभी आप लोगों को दिखाई, जहाँ पे अभी हम लोग माल खाली किए, हम लोग सबसे लास्ट वाला प्लॉट में खाली किए जो कि 8 नंबर प्लॉट, और यहाँ पे टोटल 8 वो रेलवे ट्रैक प्लॉट है जहाँ की माल गिर के रेलवे बोगी में लोड होता है। जो टोटल 8 वो है और हम लोग 8वां में ही खाली किए, जहाँ की यहाँ से लोड होके फिर जाएगा जहाँ जाने का माल रहता है। तो इस तरीके से अपना आयरन ट्रांसपोर्टिंग में आयरन खाली होता है, जो कि साइडिंग के लिए जहाँ से भी आप साइडिंग लोड करते हैं। तो तरह तरह के बहुत सारा साइडिंग है, आप लोग बोलिएगा तो हम ऐसे एक वीडियो बना देंगे, जितना अपना केवंझोर जोड़ा बड़बिल जहाँ भी जितना रेलवे साइडिंग है, सारे साइडिंग का नाम, कहाँ से माल जाता है और वो सब कहाँ कहाँ पर है, सारे चीज़ बारे बता देंगे। तो वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं पहली बार तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिए, और इस तरीके से आपको आयरन इंडस्ट्री बारे में, गाड़ी लाइन बारे में सारी चीज़ को आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी खाली कर लिए हैं, अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं। साथियों, अभी हम लोग हैं पाटबेड़ा आयरन माइंस, यानी कि एमजी महंती आयरन माइंस से आप लोग, हम लोग झारसुगड़ा का लोड करने के लिए यहाँ पे अभी इंतज़ार किए हैं। अपना गाड़ी अंदर में अभी जाएगा, अपना डीओ लेने के लिए भाई लोग गया है। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे लोडिंग करेंगे, यहाँ से भूषण, यहाँ से अच्छा रेट है, आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको भूषण का लोड मिल जाएगा ये माइन से। अभी फिलहाल हम लोग लोड कर लेंगे यहाँ से। तो फाइनली साथियों, हम लोग एमजी महंती से लोड करके निकलने वाले हैं। हम लोग का अभी वेबिल बन रहा है, और वेबिल जैसे बनेगा हम लोग को सारे डिलीवरी चालान दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए आप लोग को दिखा देते हैं कुछ एमजी महंती का माइन्स के अंदर में जो कुछ लिखा हुआ सारी चीज़ को बताते हैं, तो वीडियो में जरूर बने रहिए। पूरा खूबसूरत माइंस है, और यहाँ पे हम लोग का गाड़ी अभी फिलहाल लोड करके निकलने वाला है, चालान मिल गया है। तो साथियों, हम लोग को मिल चुका है अपना चालान, अभी हम लोग गेट से निकल रहे हैं। साथियों, गुड इवनिंग आप सभी लोग को, मेरा वीडियो में फिर से स्वागत है। तो साथियों, आप लोग को बोल देना चाहता हूँ, आज का वीडियो में आप लोग को दिखाया कि हम लोग JSW माइन से किस तरीके से बांसपणी साइडिंग लोड करके किए, और अपना बांसपणी साइडिंग में बहुत दिन बाद किए थे, रास्ता जैसे ख़राब था अभी भी ख़राब है, आप लोग को दिखाया, और किस तरीके से साइडिंग में खाली होता है उस चीज़ को आप लोग को दिखाए। और फिर से हम लोग उसी दिन तुरंत लोड किए झारसुगड़ा के लिए, और 2 दिन के अंदर में हम लोग जो साइडिंग लोड किए थे उसमें अपना 48 TN16 का गाड़ी में 7000 का काम हुआ, और वहाँ से ही 12-15 किलोमीटर जाने के बाद JSW जोजांग से बगल में हम लोग एमजी महंती से फिर से लोड किए झारसुगड़ा भूषण का, वो 2 दिन में खाली होता है, और यहाँ से करीब 22-24 हज़ार का इनकम हुआ, यानी कि मान के चलिए 3 से 3.5 दिन में हम लोग का गाड़ी 30 हज़ार का काम किया। इस तरीके से अपना आयरन ट्रांसपोर्टिंग में, गाड़ी लाइन में रोजाना 10 से 12 ट्रिप अगर दोनों तरफ से मिला के हो रहा है तो गाड़ी का किस्ती और टायर मेंटेनेंस सारी चीज़ निकलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को आज का वीडियो माध्यम में दिखाएं कि हम लोग किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी का इनकम किस तरीके से होता है, सारी चीज़ को आप लोग को बताएं। अगर वीडियो में आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, और मेरा चैनल में आप लोग जुड़े होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से आप लोग को वीडियो हम हमेशा देते रहेंगे, और आगे चल के और कुछ नया नया वीडियो देंगे, तो देखते रहिएगा। और सारे मेरे YouTube फैमिली जुड़े हुए साथी भाई लोग को देखने के लिए आप लोग को वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, आगे चल के आप लोग को दिखाएंगे हम JSW भूषण में किस तरीके से माल खाली होता है, और वहाँ